जीव का जो उद्देश्य है जीवन का, जीव सतत्व जीव ज्ञान तत्व वस्तु को ज्ञान लाते हैं। अभी श्रीमद् भागवत में तत्व वस्तु किसको कहा जाता है उस विषय में बता रहे हैं। जो तत्वविद, तत्वविद नहीं होने से तत्व को क्या बताए, इसलिए कहते हैं बदंती तत्वविद। जो लोग तत्वविद है, तत्वदर्शी, भगवान जैसा भगवद गीता में बता रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदक्षति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। वास्तविक बिना तत्वदर्शी हुए कुछ तात्विक बात बोलना उचित नहीं, इसलिए गुरुदास जैसा कहते हैं कि अनलेस, हाँ, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है उस विषय में बोलना नहीं, क्योंकि जीव जो है बद्ध जीव, उनका चार दोष होता है। एक दोष होता है कि वो हिलकम इट मिस्टेक, वो भ्रम जरूर करेंगे, भ्रम और प्रमाण, एक चीज को और एक चीज समझना। वैसे सर साइंटिस्ट लो, वैज्ञानिक लो, जड़ वस्तु को जीवन समझते, जैसे शरीर, ये शरीर है जड़ वस्तु, और आजकल यही जड़ वस्तु को ही समझता है आत्मा, इसका नाम है प्रमाण। एक वस्तु को दूसरा चीज समझता है, भ्रम प्रमाण। और विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ होता है कि दूसरे को ठगाना, मैं जानता नहीं को, बाकी हम टीचर बन गया, क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं, तो जब हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं तो दूसरे को हम क्यों बताएं जो चीज हम नहीं जानते, जिसका नाम है विप्रलिप्सा, यानी दूसरे को ठगाना। और करना पटो, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, अपोर टू है करण जो है हमारा इंद्रिय सब, जैसा आंख है, आंख हम दूर का वस्तु देख नहीं सकता हूं, तो माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए हैं कि और सब बहुत कुछ यंत्र बनाए हैं, बड़ी यंत्र भी तो मैं ही बनाए हैं। जब हमारा इंद्रिय अपोर टू है तो यंत्र भी जो बना है वो भी अपोर टू है, वो पाठक कैसा होगा। इसलिए जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव माने जो कोई इधर भौतिक जगत में आए हैं उसका नाम है बद्ध जीव, सीमित है उसको ज्ञान बुद्धि सब कुछ सीमित। तो इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लाभ करने से हमारा कुछ लाभ नहीं है, इसलिए तत्वविद का पास जाना चाहिए। ये भागवत में बताते हैं बदंती तत्वविद, जो तात्विक ज्ञान को लाभ किया। अतः तात्विक ज्ञान लाभ, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उनको तात्विक ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो अपना जो क्षुद्र बुद्धि है, अपोटु इंद्रिय है, उसके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उसका पास तात्विक ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, परंपरा से बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवत गीता तत्व मालूम किया, सकाले न योग नष्ट परंतप, वो परंपरा नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो गया, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, फिर परंपरा सृजन कर रहा हूं भक्तोशी प्रियोशी, क्योंकि तुम हमारा भक्त हो, कि परंपरा से ज्ञान लाभ करना। हमारा जो वैदिक विधि है आरोह पंथा एंड अवरोह पंथ,
आरोह पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसको इंद्रियापटु है, वो रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है वास्तविक तत्व वस्तु क्या चीज, ये इसका नाम है आरोह पंथ। और एक अवरोह पंथ था जो ऊपर से वो तत्व वस्तु का ज्ञान मिलता है, उसका नाम अवरोह पंथ। वास्तविक जो लोग वैदिक है वो आरोह पंथा को ग्रहण नहीं करते, वो अवरोह पंथा को ग्रहण करते। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षे, ऊपर से ज्ञान देने वाला भगवान से और बड़ा कौन होगा। भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्म संक्लानी भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानी होती है, धर्म का अर्थ नहीं कोई जो जैसा आजकल चलता है सेंटिमेंट, नहीं, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य ड्यूटी, उसका नाम है धर्म। तो जब आदमी सब भूल जाते हैं वास्तविक का जीवन का क्या कर्तव्य है, तब भगवान आते हैं, भगवान खुद कहते हैं सदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणा साधुनाम बिना साधु, दो काम है भगवान, जो वास्तविक जो साधु है जो तत्व वस्तु को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधु का अर्थ होता है भगवद भक्त, ज्ञान से भी ऊपर भगवत। जैसे भगवान बताते हैं साधु रेव समम कौन उपीते शुक्राचार भजते माम अनन्न भाव, अनन्न भाव से जो भगवान का चरण में शरणागत है वो साधु, साधु रेव तो परित्राणा साधुना और बिना साया से दृष्टि, दो चीज भगवान का काम होता है जब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हाथ में आप लोग देखे हैं चार हाथ में, दो हाथ में अस्त्र है गदा है और चक्र है, और दो हाथ में पद्म पुष्प है और शंख है। तो दो हाथ जो है पद्म पुष्प और शंख है, ये तो परित्राणा साधना, और जो दो हाथ है विनाशा से दुष्टि। इसलिए भगवान जब आए थे भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण दो काम किए, साधु को परित्राण किया और दुष्कृत में जो रावण ऐसे आया उसे सब नाश किया। तो दुष्कृतियों को नाश करने के लिए भगवान नहीं आते, वो तो उनके इंग्लिश से ही वो काम हो जाता। वास्तविक आते हैं साधु लोग जो है भगवान को दर्शन के लिए पर आकांक्षित है, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए, और नहीं तो भगवान की इंगित से ये सारी सृष्टि एक सेकंड में खत्म हो जाती। तो उसके लिए जैसा भगवान नृसिंहदेव अवतार हैं तो प्रहलाद को दर्शन को देंगे, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उनके आने का कई जरूरत है। ये सब विचार परित्राणाम साधुनाम विनाशाय से दृष्टि का। तो तत्व वस्तु जो है आखिरी में वो भगवान, इसलिए ये श्लोक में बता रहे हैं वदन्ति तत्तत्त्वविद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम। तत्व वस्तु एक ही है, तत्व वस्तु दो नहीं हो सकता है, एक ब्रह्म द्वितीय न, परंतु हमारा देखने की जो शक्ति है उसको अलग अलग होने का कारण तत्व वस्तु अलग अलग दिखता है। तो तत्व वस्तु को जो देखने वाला है कई एक है जो ब्रह्मवाद ब्रह्मेति, और कई एक है जो कि परमात्मावाद, और कई एक है जो भक्त भगवत भक्तिवाद। तो इसका क्या कारण है, एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है, ना उसका कारण यही है जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है उससे जाने, और जो भगवान का अपना हृदय में
दर्शन करने को चाहते हैं जैसे योगी लोग मनसा पश्यन्ति जन योगी लोग, तो उसको परमात्मा दर्शन होता है। ये परमात्मा है कौन? ये भगवान का अंश है। एकांशी न स्थित हो जगत, भगवान तथा बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है उदाहरण से, 12 वर्ष दिन में 500 माइल का, सब आदमी को पूछिए जो सूर्य देव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का ऊपर। क्या सूर्य देव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है, जो सब कोई समझता है। इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन होता है, उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोचन, जिसको भगवत प्रेम है वो सब समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करता। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचा नहीं, दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकार नहीं ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है, भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्म लो अहम प्रतिष्ठा, जो निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है उसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रश्मि, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक, और सूर्य लोक का भीतर वो सूर्य देवता है, जिसका नाम भगवत गीता में बताया है, विभूषण नाम भी बताया, ये सब है। बाकी योग्यता अनुसार कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है वो स्वयं सूर्य देव जन सूर्य नारायण उसको भी देखता है। इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ है, दूर से आप देखिए मालूम होता है जो कोई बादल क्लाउड, और थोड़ा आगे बढ़ते देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज, और उधर वही पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है, पशु भी है। तो इसी प्रकार वदन्ति तत्व तविदः तत्त्वम्, तत्व वस्तु एक ही है, दर्शन का भेद से कोई देखता है ब्रह्म, कोई देखता है परमात्मा, कोई देखता है स्वयं भगवान। ये विचार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, तो उद्देश्य यही है। जैसे पहले श्लोक में बताया जीवस्य तत्व जिज्ञान, जो आखिरी तत्व वस्तु जो है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो है भगवद गीता में जैसे बताते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मान कुदर, वास्तविक जो ज्ञानवान है वो आगे जा करके वो भगवान का चरण नहीं प्रवृत्ति करते, क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, जो वासुदेव भगवान जो कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनको जो अंग ज्योति है ये ब्रह्मदेव। ब्रह्म संहिता में ये बताया कि जस्त प्रभा प्रभवतो जगदन्न कूट, जस्त प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि, कोटिषु अशेषा अशेष वसुधादि भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण जैसे सूर्य लोक है, सूर्य लोक का जो ज्योति है ये प्रकाश है, और उस सूर्य लोक में जो निवास करते हैं विवस्था सूर्य नारायण, तो समझ लीजिए भगवान। बस ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान तो अनेक दूर में है, अंथास्त कोटि शतवस्त संप्रदम वायु रखा पिवर सो मणिपुण्य
भगवान का दर्शन, भगवान का जो लोक है, गोलोक ये वो नहीं हो सकती, अखिला भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति जो है, भगवान सब आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। जा मत परतरम नान्या किंचित अस्ति धनंजय, जो हमसे परतर कुछ है नहीं। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां दुधा भाव सर। केवल समझना, भगवान तो खुद आते हैं, भगवान को जो भगवान को भक्त है वो दिखाते भी हैं, बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा और प्रोफेसर ईशा भी बताया कि जो असल जो डोंकी है उससे आश्चर्य नहीं होता, वो जो झूठा डोंकी है उससे वो खूब ताली बजाते। ऐसा जो असल भगवान है उसको कोई नहीं चाहते। एक आया कोई रास्ते लाया, बोल दिया जो हम भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वो भगवान वे गीता। जो असल भगवान को कोई नहीं चाहते, वो नकल करके जो धोखा देने वाला है उसको भगवान मानेगा। ये हमारा दुर्भाग्य, इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नामंत ज्ञानवान मान, ये सब धोखा खाते 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 अनेक जन्म जन्मांतर तपश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाती है, ज्ञानवान असल ज्ञानवान, तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है, वासुदेव सर्वमीति, ये ब्रह्म परमात्मा जो कुछ है इसे भगवान वासुदेव, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं तो जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन, यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर और जो सब चीज है वो सब समझ में आ जाए आपसे। उसके लिए ज्यादा प्रयास करने को, जैसा हम लोग है, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिस्ट ही नहीं है कुछ नहीं, बाकी जानते क्या चीज किया। जैसा प्रोफेसर पेशा दिन कहते हैं कि वास्तविक लाइफ क्या है उसको डेफिनेशन, बट वी नो द डेफिनेशन, ये बात नहीं है जो डेफिनेशन, कहां से हमको मालूम हुआ, भगवान का अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति में परा जीव भातो जीव भूतो महाभाव जयदम धार्यते जगत, लाइफ और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क है, जीव जड़ वस्तु को चलाता है, जड़ वस्तु जड़ होता है, पहाड़ है बहुत भारी है, क्योंकि जड़ वस्तु है उसको चाहे एक जीव छोटे से जीव जाकर उसको तोड़ फाड़ लेते, ये जीव है जो जड़ वस्तु को चलाता है वो जीव। देखिए ये हमारा शरीर, ये शरीर को चलाने वाला कौन है, जो मैं जो जीव है जीवात्मा अत्यंत क्षुद्र, ये शास्त्र बता कितना क्षुद्र, 1/10,000 पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हियर, केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित सब शास्त्र में बताया ये केश का अग्रभाग जो है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और 100 भाग का 1 भाग लेकर के फिर 100 भाग कीजिए, वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है उसके भीतर, दिस इज द डिफरेंस। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है, बाकी वो जो क्षुद्र केशाग्र शतभाग वो जब निकल जाता बस हाथी हो गया काम के पर, इसको समझता जयदम धार देते जगह, इसी प्रकार सब जगत चल रहा है वो उसको जीवात्मा जीव भूत, वो भी भगवान के प्रकृति, ये सब चीज भगवत गीता में बताया है, कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है, तो ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्ण चंद बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म, हमारा ज्यादा परिश्रम करने का क्या जरूरत है रिसर्च करने का, इसका नाम है अवरोह पंथा, वी आर गेटिंग नॉलेज
बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस दैट इट इज परफेक्ट। इसका उदाहरण सरो जैसे आप बैठ रहे हैं कोई कमरा में, ये हमारे लॉजिक में भी है इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस, एक शब्द वो खर्च है। तो जितना आदमी बैठना है एक एक अपना थियोरी लगाए खर्च शब्द किधर था, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खर्च शब्द इस तरह से हुआ बस काम में। इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समर्थ ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समर्थ, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण है। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान जो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण है। ये बात नहीं है या हम ज्ञानी है नहीं, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी है वेदाहं समितितान जो कि भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, जैसा भगवान भगवद गीता में कहता है कि भगवान जब अर्जुन को बता कि इमं विवस्यति युगं वर्तमानं विवस्यान् मनो विप्राहो मनो इच्छा भवेत्, तो भगवान कहते हैं पहले मैं सूर्य देव को विवस्यान् को बताया, वो बताया था उसको हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से चार हजार करोड़ वर्ष पहले उनको बताया गया। तो अर्जुन का संदेह, अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा मैं तो और आप से हमारा तो समान उम्र है, आप कहते हैं पहले हम सूर्य को बताए कैसे हम विश्वास करें, तो भगवान क्या बताया, भगवान बताया कि देखो जी अर्जुन जब भी हम आते हैं तुम हमारा सामने आते हो, बाकी मैं भूलता नहीं तुम भूल जाते हो, इतना ही फर्क बात जीव से भगवान से इतना ही फर्क है। भगवान सब जानते हैं कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी दो घंटा पहले क्या काम किया था भूल जाता है, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ होगा, कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम सा गुरु में विगच्छे समित पाणी सुरूपम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्म इति भगवान इति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब ये तत्व ज्ञान जो है जानते हैं अच्छी तरह से समझते हैं, उसको बात जानना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह अभिगच्छे वो घड़ी क्या के नहीं जानते, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान है वो परिपूर्ण। इसी प्रकार यदि तत्वज्ञान जो वास्तविक तत्वज्ञान जानते हैं उससे हम लीजिए तो आपको परिपूर्ण ज्ञान है, न तो समय वही केवलम न तो केवल मिथा परिश्रम वासुदेव धर्म साल तत्वान विश्वक्ष कथा सुख नोत्पादी यदि समय वही केवलम, सब ज्ञान लाभ किया। और यदि असल में भगवान को ही समझाने और जीव क्या चेहरा सही समझाया और भगवान से जीव से क्या संपर्क नहीं जान, तो सब श्रम वही केवल केवल श्रम वो ज्ञान नहीं। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है जो तपस्या की है उसके लिए शास्त्र बताया है इदम विपुंसांग तपसा स्तुत सदा शिष्ट सुत सबुद्ध दत्त अविचित अर्थ कवि भी निरूपित जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट रहिए ठीक है, आप फिलोसोफर रहिए ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, डॉक्टर है ठीक है, ये सब तपस्या से सब ज्ञान होता है। तपस्या सुतस्त माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है सुना सुतस्त तपस्या का भी होता है। तो जो कुछ बताए गए हैं ज्ञान लाभ करने के लिए वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण। आप केमिस्ट है ठीक है, थ्रू केमिस्ट
जैसे हमारा रविंद्र प्रताप रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट है, डॉक्टर इन केमिस्ट्री। मैं उनको बताया कि तुम्हारा जो विद्या है ये केमिस्ट्री का, इसके द्वारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मैटर से लाइफ होता है इसको रिफ्यूज करो, ये भी है और ये केमिस्ट है हमारा शिष्य, उसको भी बताया सर डॉक्टर समुद्र। तो मैं नहीं बताता, इस शास्त्र का उद्देश्य है, यदि आप केमिस्ट है ठीक है, यदि आप दार्शनिक है ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, आप डॉक्टर है ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणा में भगवान की महिमा आप ही सुनते। देखो जी भगवान कैसा इंजीनियर है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा सब हो। और यदि वो नहीं हुआ समय वही केवल केवल सम परिश्रम, ये शास्त्र का निर्देश है। धर्मस्य सानुष्ठितस्य आगे जो बताया, अतः तुम भी विजत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितो संसिद्धि हरितो। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तू लोग मानेंगे दीदी जी इतना बड़ा भारी केमिस्ट, ये तो भगवान के विषय समझा रहे, तो बहुत भारी सेवा संसिद्धि हरितो, भगवान भी संतुष्ट करने के लिए ये कुछ हमारी सेवा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं हासिल में, ठीक है। ये हम लोग सिखाते हैं, जो आप जो कुछ हो ये उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल जो वास्तविक आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट की, भगवान को संतुष्ट किए, अतः पुण्य विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बारहप्रस्थ, बस यही होता है आठ श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से अपना जो ड्यूटी है अपना जो काम है उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कीजिए। सकर्मनाकम अभ्यर्थ दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट।